नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान शाहनवाज हाशमी और आज मेरे साथ मौजूद हैं मैं यानी कि लुबना एहसान। हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मंजर पस मंजर, ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिल्ली और उसके अतराफ में होने वाली अदबी, तहजीबी, सकाफती, सियासी और समाजी सरगर्मियों से, ऐसी सरगर्मियों से जिनसे आप रूबरू होना चाहते हैं या ऐसे लम्हात जिनमें आप दोबारा खोना चाहते हैं। डीडी उर्दू की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अपने नाज़रीन के ज़ौक के तस्कीन का सामान मुहैया कराए। तो इसी कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे हमारे वजीर आज़म के जरिए चलाए गए तहरीक आयुष्मान भारत की एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, और आपको लेकर चलेंगे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्ट में जिसका इनेकाद साइंस सेंटर में किया गया है, और आखिर में चलते चलते इल्म अदब का गहवारा यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी सैर कराएंगे जहाँ गुज़श्ता दिनों बच्चों के अदब पर एक सेमिनार मुनाकिद किया गया। तो आइए लुबना, हम अपने प्रोग्राम का अब बाज़ाब्ता आगाज करते हैं। तो शाहनवाज, हम बिला किसी ताखीर के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आपके साथ नाजरीन को भी दिखाते हैं आयुष्मान पखवाड़े की ये रिपोर्ट। लुबना, हम अपने नाजरीन को और आपको ये रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले अपने नाजरीन के गोश गुजार करते चले कि हमारे वजीर आज़म की जो ये तहरीक है आयुष्मान भारत, इससे खते अफलास के नीचे रहने वाले लोगों के लिए एक रोशनी का काम कर रही है, यानी जो गुरबत में लोग जी रहे थे, जो अपने इलाज व मुआवजा के लिए परेशान थे, उनके लिए हमारे वजीर आज़म ने ये तहरीक चलाई और इस तहरीक से हमारा वो तबका जो इलाज व मुआवजे के लिए परेशान होता था, उनको उनकी ज़रूरियात की चीज़ें मुहैया नहीं थी, बआसानी मुहैया होने लगी है। तो लीजिए आपके साथ अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आयुष्मान भारत के एक साल मुकम्मल होने की खुशी में काबीना वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने नामानिगारों से मुखातिब होते हुए कहा कि 23 सितंबर को हम लोग मुल्क भर में आयुष्मान भारत के एक साल पूरा होने का जश्न मनाएंगे। इसकी शुरुआत 15 सितंबर से कर दी गई है जो 30 सितंबर तक चलेगी। वजीर सेहत ने बताया कि मुल्क में हर 2 सेकंड में एक आयुष्मान भारत तहरीक के जरिए ई कार्ड बनाया जाता है। इसके जरिए 45 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज भी कराया जा चुका है। वाज़ह रहे कि इस तहरीक पर हुकूमत ने 7500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस तहरीक की बुनियाद पिछले बरस 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के यौम पैदाइश के मौके पर डाली थी। इस तहरीक का मकसद गरीब लोगों को सेहत का बीमा कराना था। इस बीमा के तहत कार्ड होल्डर को 5 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। वाज़ह रहे कि 2008 में यूपीए हुकूमत के जरिए लागू किए गए कौमी सेहत बीमा यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को भी आयुष्मान भारत योजना में तहलील कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना के इस पखवाड़े में मुल्क के हर सूबे के लोग शामिल रहे और सभी ने ये इकरार किया कि वजीर आज़म के जरिए उठाए गए बेहतरीन अकदामात में से ये सबसे अहम कदम है। शुक्रिया जनाब, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे वजीर आज़म के बेहतर अकदामों में से ये अकदाम एक ऐसा कदम है जिसने मायूस लोगों के दिलों में उम्मीद की एक शुआ रोशन कर दी है। इससे उन चेहरों पे रोशनी आ गई है जो वाकई अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गए थे। जी हाँ लुबना साहिबा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमारे वजीर आज़म ने जो ये तहरीक चलाई है, इस तहरीक से आवाम को कितना फ़ायदा हुआ है, यानी खते अफलास से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे लोगों को जो फ़ायदा हुआ है, उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। जो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वो इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवा पाएंगे, वो अब इन तहरीकों की वजह से हॉस्पिटल तक उनकी रसाई आसान हो गई है और वो अपने इलाज को भी सही ढंग से करा पा रहे हैं। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, लेकिन आज के इस दौर में अगर हम साइंस को अनदेखा करेंगे तो हम दुनिया से पिछड़ते चले जाएंगे, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों में साइंस की तरफ रग़बत पैदा करें। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप, अगर हम साइंस से दूर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अपने नाज़रीन से भी दूर हो जाएंगे। हम अपने नाज़रीन तक जो पहुँच रहे हैं ये साइंस के आलाकार की वजह से ही हम पहुँच रहे हैं। तो लीजिए नाज़रीन, पेश खिदमत है इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट।
कोलकाता में 5 से 8 नवंबर तक भारत का 5वां बैन अलावामी साइंस मेला होने जा रहा है। इस मेले की मेज़बानी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी करेगा। वजारत के वजीर जनाब डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस फेस्टिवल के मुतालिक कहा, नवंबर के महीने में 5, 6, 7 और 8 नवंबर को कोलकाता में होने जा रहा है, उसके बारे में भी कुछ ग्लिम्सेज आपको जो संभावित एक्शंस हैं उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पहला साइंस फेस्टिवल 2015 में दिल्ली में हुआ था, आईआईटी दिल्ली में। उसके बाद अगली बार हम दिल्ली में ही रहे और उसको हमने नेशनल फिज़िकल लेबॉर्टरी के कैंपस में किया। उसके नेक्स्ट ईयर हम साउथ में चेन्नई में जाके हम लोगों ने 17 के अंदर अपना फेस्टिवल किया और फिर उत्तर भारत कहिए मध्य भारत कहिए, हम 2018 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर गए। वाज़ह रहे कि गुज़श्ता दिनों कर्टन रेज़र के मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए वहां के मुंतज़मीन ने इस फेस्टिवल के मुतालिक हम सबको बताया, 4 दिन में लगभग ऐसे 8,000 विद्यार्थी कोलकाता सिटी के अलग अलग कक्षाओं से और अलग अलग पाठशालाओं से आके इन सभी वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करेंगे। और यह 3 ऐसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस महोत्सव का कि जिसमें लगभग अगर हम कहें तो 8,000 से 9,000 ऐसे विद्यार्थी और रिसर्चर्स के साथ पहुंचने की हमारी आशा है और अपेक्षा। पूरे इस इवेंट में सभी तरह की साइंस कम्युनिकेशन की विधाओं को सम्मिलित किया गया है और इसमें देश विदेश से लगभग 300 लोगों के आने की संभावना है और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम IISF 2019 का एक मुख्य आकर्षक केंद्र बनने जा रहा है। जो मास कम्युनिकेशन के बच्चे हैं और साइंस के बच्चे हैं और जो भी फिल्म लवर्स हैं, कम्युनिकेटर्स हैं, उनको हम एक ऐसा कंप्लीट पैकेज, उनको स्किल डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग भी मिलता है। अलग अलग मास्टर क्लासेस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, पैनल डिस्कशन होते हैं। इस बार एक खास सिम्पोजिया हम कर रहे हैं साइंस कम्युनिकेशन इन डिजिटल मीडिया, क्योंकि आज डिजिटल युग है। हमारे कैमरे से लेके हमारे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब डिजिटल हो चुके हैं, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो उसमें हम साइंस को कैसे और डिसेमिनेट कर सकते हैं ग्रास रूट लेवल तक, हम डिजिटल इंडिया का आज युग है। उसके अलावा पूरे दुनिया से इसमें फिल्में आमंत्रित की जाती हैं और अभी तक हमको तमाम यूरोपियन और एशियन देशों से फिल्में मिल चुकी हैं जो इस फेस्टिवल के साझेदार होंगे। इंक्रीज है नंबर ऑफ इवेंट्स में, उसमें ये SNT मीडिया कॉन्क्लेव इस साल पहली दफ़ा आयोजित किया जा रहा है। तो ये मीडिया के ऊपर फोकस करने के लिए और SNT कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं इस विषय पे चर्चा करने के लिए ये 2 दिन का सेशन होगा और ये बोस इंस्टीट्यूट के कैंपस में होगा जो अपने आप में एक बहुत ही हेरिटेज वाला कैंपस है। फेस्टिवल विल डू, इट इज़ ए सेलिब्रेशन ऑफ साइंस, इट इज़ ए 360-degree व्यू एंड कनेक्ट विद एवरीथिंग रिलेटेड टू साइंस। So this is what the major differences are, is focus on youth. Of the 12,000 people who will assemble there, who have been invited, 8,000 are school and college children. Of the remaining 4,000 also, there will be many young people. इस फेस्टिवल की गर्ज़ोगायत पर रोशनी डालते हुए वजीर मौसूफ ने कहा, जैसे स्वास्थ्य के लिए जन आंदोलन बनना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से विज्ञान को भी एक जन आंदोलन बनना बहुत ज़रूरी है। विज्ञान के प्रति जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं और ख़ासकर जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर विज्ञान के प्रति रुचि, रुझान ये पैदा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग ढंग से पैदा होना चाहिए। और पिछले 4-5 साल में हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में अपने इंक्लूडिंग दिस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को मिलाकर जितनी भी योजनाएं बनाई उसमें
इस बात का विशेष प्रयास किया कि हम जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसमें साइंटिफिक टेंपर, साइंस के प्रति रुझान, पैशन और साइंस की इंटरेस्टिंग ढंग से जानकारी, वो हम कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके लिए कार्यक्रम बनने चाहिए। और इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की कल्पना भी उसी विचार को मन में रख के की गई थी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुस्तकबिल के अपने हदफ का इजहार करते हुए हमसे कहा, इस बार हमारी योजना है कि हम कम से कम 100 स्थानों पर इस तरह के कर्टन रेजर जो है देश भर में करेंगे, ताकि सारे देश में समय से पहले विभिन्न माध्यमों से इसकी जानकारी संबंधित पक्षों तक पहुँचे। बड़ी संख्या के अंदर खाली कलकत्ता के ही नहीं, देश भर के लोग इस इंडिया इंटरनेशनल सेंटर साइंस फेस्टिवल में भाग लें। तो देखा लुमना साहिबा आपने कि हमारे वजीर मौसूफ ने कितनी कारामद बात और कितने अच्छे अंदाज में हमसे बयान किया। जी शाहनवाज़, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमारे वज़ीर मौसूफ ने बच्चों में साइंस के लिए रग़बत पैदा करने के लिए बहुत सारी तजावीज़ पेश की जी। बात वहाँ भी बच्चों की हो रही थी और बात यहाँ भी बच्चों की हो रही है, तो हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ बच्चों के अदब, खासकर साइंसी अदब को ख्याल में रख कर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। बिल्कुल सही फरमा रही हैं लुबना साहब आप। मैं भी उस मजलिस में, या यूं कहिए कि उस सेमिनार में मौजूद था। वहाँ अदब अतफाल पर तो बात हुई, साथ ही बच्चों में साइंसी अदब पर भी बहुत कारामद बातें हुईं, और लोगों ने यह ख्याल किया कि बच्चों को अदब के साथ साथ साइंसी अदब भी पढ़ाना, लिखाना और समझाना ज़रूरी है। आपको और अपने नाज़रीन को हम डीन के ज़रिए इस सेमिनार को मुतारिफ़ कराते हैं। अदीब, मगर तुम तो बहुत खूबसूरत और अच्छी जबान में गुफ्तगू कर रहे हो, सो तुम ऐसी शिकायत क्यों कर रहे हो? जी हाँ, आप बजा फरमाते हैं, मेरी ये जबान इस्माइल मेरठी और मौलाना हाली की नज़मों, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और डॉक्टर जाकिर हुसैन की कहानियों के मुताले की वजह से है। आप लोगों ने भी कभी इस तरफ तवज्जो की? जाहिर सी बात है, हरगिज़ नहीं। इसीलिए तो आज यानी आपके अहद के बच्चे गूंगे हैं। ये क्या कह रहे हो बच्चे, ये क्या कह रहे हो मेरे बच्चे? बच्चे ना कहिए, बच्चों का अदब, ये न कहिए, बच्चों का अदब है मेरी पहचान। ठीक है, मगर ऐसा न कहो, मेरे अहद के बच्चे को गूंगा तो न कहो। जनाब, वो सिर्फ गूंगे ही नहीं, लूले और लंगड़े भी हैं। हाय हाय, वो कैसे? आपको विश यकीन नहीं आ रहा, मैंने वो काम करा और मास्टर जी को दे दिया। तुमको पूछो खबर नहीं, हालातों जज्बातों करते हो खाली पीली। खाली पीली बकवास ना करा करो। भाई भाई भाई, ये तुमको बच्चे क्या हो गया, ये अचानक किस तरह की जबान इस्तेमाल करने लगे? ये मैं नहीं, तुम्हारे अहद के बच्चे बोल रहे हैं। ये उनकी जबान है जिनकी तालीम का तो तुम्हें ख्याल रहा मगर तरबियत का नहीं। बात तो तुम्हारी सच्ची भी है और इसीलिए दिल को भी लगती है, मगर अगर मगर क्या जनाबे आली, वहाँ देखिए ना, एक साहब हमारे हवाले से यानी बच्चों के अदब के हवाले से क्या क्या फरमा रहे हैं। गालिब इंस्टीट्यूट, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, उर्दू एकेडमी, JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये तकरीबात अमल में आई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के डीन और सदर शोभा ने जिस दिलकश मुकालमाती अंदाज में इस सेमिनार से मुतारफ कराया, लोगों ने इसे खूब सराहा।
इस तकरीब में मुल्क भर से अदीब व नक्काद ने शिरकत की और बैरून मुल्क से भी उर्दू अदब के रहनुमाओं ने अपनी हाजिरी दर्ज कराई। एक बात हम समझते हैं कि ज़रूरी है बता दें कि हम मॉरिशस वाले जो अभी हैं उर्दू की जो खिदमत कर रहे हैं वो हमारे आबा व अजदाद के ज़माने से हैं। वो जब वहाँ गए थे तो बहुत परेशान हाल थे, फिर भी उन्होंने कुरान और ईमान, गीता और पुराण, भोजपुरी, हिंदी और उर्दू ज़ुबान को कायम रखा, महफूज रखा। उस ज़माने से ये सिलसिला आ रहा है और आज हम भी इसको कायम कर रहे हैं, इसको महफूज रख रहे हैं। सेमिनार का उन्वान था अदब अतफाल समत रफ्तार। इस हवाले से आए हुए मंदुबीन ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और साथ ही बच्चों के अदब पर सैर हासिल गुफ्तगु भी की। बच्चों का अदब से मुराद ये है कि ऐसा अदब जो बच्चों के लिए लिखा जाए, जिसमें बच्चों की दिलचस्पी, उनके मिजाज के मुताबिक, उनके मजाक के मुताबिक, उनकी दिलचस्पी और जो भी उनकी नफ्सियात है उसके मुताबिक जो अदब तख्लीक किया जाता है वो बच्चों का अदब या अदब अतफाल कहा जाता है। दूसरी चीज़ इसमें है कि जब तक बच्चों का अदब लिखना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे कि अभी बताया कुछ दिन पहले कि बच्चों का अदब लिखने के लिए आपको ख़ुद बच्चा बनना पड़ता है, बच्चों की तरह सोचना पड़ता है, उन्हीं उनकी दिलचस्पियाँ, तजर्बा, ज़ाहिर सी बात है कभी हुआ होगा लेकिन उनके तजर्बात को आप अपने मुशाहदे में ले आते हैं और उसी को बुनियाद बनाकर जब कुछ लिखते हैं तो वो बच्चों के अदब में शामिल हो। सिर्फ ज़बान व अदब पर ही गुफ्तगू नहीं हुई बल्कि ज़राए इब्लाग यानी मीडिया और साइंसी अदब पर भी लोगों ने पेपर पेश किए और बच्चों के अंदर किस तरह साइंस और मीडिया में दिलचस्पी पैदा की जाए इस पर भी गुफ्तगू की गई। मुझे लगता है कि हर बच्चा जो है वो उसमें एक तड़प होती है कुछ जानने की और कुछ मालूमात हासिल करने की, तो उस मालूमात के एतबार से हमारे जो उर्दू अदब में बच्चों का जो साइंसी अदब है वो बहुत कम है और ज़रूरत इस बात की है कि इस अदब को बढ़ाया जाए। हालांकि हमारे बड़े अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटीज़ और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने जो है वो इस पर काम किया है। इनके यहाँ जो लिखने वाले हैं, साइंस के जो लिखने वाले लोग हैं, उन लोगों ने लिखा है, लेकिन वो आज के प्रोस्पेक्टिव में जो आज का दौर है, ये ऐद हाजिर जो है, आज के बच्चे का जो मुतालबा है वो उस बच्चे का मुतालबा नहीं था जो गुज़र चुका है 47 से पहले था या 60 से पहले था। आज का जो बच्चा है वो मोबाइल पे काम करता है तो उसको उसी तरीके की मालूमात चाहिए है। तो मैं समझता हूँ कि उन अदीबों को भी सलाम, उन अदीबों की खिदमात को भी सलाम, और आज के जो लिखने वाले हैं या जो लिख रहे हैं साइंसी अदब उनको भी सलाम, लेकिन उतना नहीं लिखा जा रहा है जितना लिखा जाना चाहिए। वहाँ आए हुए मंदुबीन ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इसके गर्ज़ो ग़ायत पर रोशनी डाली। इस सेमिनार से ये फ़ायदा होगा, आलमी कॉन्फ्रेंस से ये फ़ायदा होगा कि बच्चों के अदब की तरफ शायर और अदीबों की तवज्जो जाएगी और अब वो बच्चों के लिए बेहतर तख्लीक पेश कर सकेंगे ताकि बच्चों के की ज़हनी तरबियत हो सके और वक्त और असरी तकाज़ों के मुताबिक वो हो सके। इसलिए एक माहौल पूरे हिंदुस्तान में ये बनेगा कि बच्चों के अदब की तरफ तवज्जो दी जाए और ऐसे रिसाले आए जो उसको उसकी ज़हनियत ज़हनी तरबियत करके उसको कमाल तक पहुंचाए। बच्चों के अदब में ही अदब का पोशीदा है, अदब पोशीदा है। और दूसरी बात यह है जबकि बच्चों का अदब नहीं है तो मुस्तकबिल का खारीन कौन बनेंगे। इसलिए क्या है, बच्चों के लिए बच्चों के रसायल, जो मैं फारूक सईद साहब से मुबारकबाद देता हूँ, क्या है सिल्वर जुबली के इस मौके पर 25 साल सफ़र करना मामूली बात नहीं, रसायल के बच्चों के रसायल जारी करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि उसका सर्कुलेशन हो,
या ذاتی ادارے ان کو ساتھ نہیں دیتے اور سرکاری طور پر کچھ بھی فائدہ ان کو کوئی ساتھ نہیں ہے اور اسے شخصی طور پر رسائل جاری کرنا یہ معمولی بات نہیں اس میں بہت سے سرکولیشن کا مسئلہ ایک ہوتا ہے اور خریداری کا مسئلہ ایک ہوتا ہے آپ دیکھیے تمام اردو والے رسائل خریدیں گے تو لاکھوں میں سرکولیشن ہونا چاہیے مجھے بہت خوشی ہے کہ بچوں کے اس عالمی پروگرام میں سیمینار میں شرکت کا موقع ملا میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے جو سیمینار میں شامل ہوئے اس سے اندازہ یہ ہوا کہ اس سمت میں کسی پہلے کسی سوچ نہیں تھی کسی کے پاس اب ہم لوگ یہ سوچنے کے لیے مجبور ہوئے اور ایک تحریک پیدا ہوئی ایک شوق پیدا ہوا ایک ترغیب دی گئی کہ بچوں کے ادب کے بارے میں بھی سوچا جائے اور اس پر کام کیا جائے آج جو گل بوٹے کے ذریعہ بین الاقوامی ادب اطفال سیمینار منعقد ہوا یہ واقعی اس کی بہت ضرورت تھی آج بچوں کے ادب کو دوبارہ سے لکھے جانے کی بھی ضرورت ہے اور کتابیں جو بچوں کے تعلق سے ہیں ان کو ریپروڈیوس کیا جائے ساتھ ہی ساتھ مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے لیے آڈیو ویژول کچھ کہانیاں بنائی جائیں کچھ اس کے یوٹیوب پر اور کچھ دوسری چیزوں پر مطلب ہم دھیان دیں تو تخلیق ایسی جو بچوں کو مطلب درس دیتی ہوں ایسی کہانیاں اور ایسی چیزوں کو دوبارہ سے ویژولائز کر کے ہمیں بچوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے اور جو رسالے ہیں جیسے گل بوٹے ہیں اس کا بھی آڈیو ویژول اگر کوئی ایڈیشن آتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ پاپولر ہوگا بچوں میں چونکہ بچے آج کل اس میڈیا کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس میڈیا کو روک کر بچوں کو کتابوں کی طرف لائیں لیکن کتابیں بھی پڑھیں بچے اور جو آج ترقی یافتہ دور ہے چونکہ تو اس میں آڈیو ویژول اگر ہم چیزیں ان کو دیتے ہیں تو ان کی جو ہے دلچسپی بنی رہتی ہے اور وہ زیادہ اس میں دلچسپی سے کام کرتے ہیں آخر میں صدر کلیہ فنون یعنی ڈین فیکلٹی آف آرٹس اور شعبہ کے صدر نے اس سیمینار کے متعلق کہا کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے ادیب ہمارے شاعر مقامی طور پر بھی اور صوبائی طور پر بھی اور عالمی سطح پر بھی بین الاقوامی سطح پر بھی ایسی کوشش کریں کہ اس عہد کے جو بچے ہیں ان کو ادب سے جوڑنے کی کوشش کریں اور بچوں کے لیے بالخصوص ادب لکھا جائے تاکہ ہمارے بچے اردو ادب کی طرف راغب ہوں اور جب تک جڑوں میں ہم کی سیرابی نہیں ہوگی جڑوں میں پانی نہیں ڈالیں گے اس وقت تک ادب عالیہ کا معاملہ بہت بہتر نہیں کہا جا سکتا ہے اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ بچوں کے رسالے بچوں کی ذہنی تربیت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اس لیے ہمیں بچوں کو کتابوں سے دوستی بھی سکھانے کی ضرورت ہے وہ بھی اس دور میں جبکہ بچے موبائل اور کمپیوٹر پر اپنا زیادہ وقت صرف کر رہے ہیں اگر ہم ان کے اندر کتابوں سے محبت پیدا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقین جانیے کہ اس دور میں یہ ان کے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہوگا واقعی اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ادب و ثقافت سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ کسی بھی تہذیب کی میراث اس کی زبان ہوتی ہے جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ زبان و ادب کسی بھی تہذیب کی میراث ہوتی ہے اگر ہم اپنے زبان کو چھوڑ دیں گے تو ہم اپنی تہذیب کو بھی کھو بیٹھیں گے صحیح کہا ہے کہ جانے انجانے میں ہم جس بھی زبان کو پڑھتے ہیں اس زبان کی تہذیب کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں اور اگر ہم اپنی زبان سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو یقین جانیے ہم اپنے تہذیب سے بھی کوسوں دور ہوتے چلے جائیں گے اور ہماری تہذیب بھی ختم ہو جائے گی جی جی شاہنواز آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کیونکہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ادب اور اپنی زبان سے دور کرتے جا رہے ہیں جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہم اپنے ناظرین سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں اور آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے جو یہ نونہال ہیں ہمارے جو بچے ہیں ہماری جو یہ نئی نسل ہیں ان کو اپنے ادب اور تہذیب سے روشناس کرائیے ان کو اپنی ادبی تہذیبوں کو پڑھائیے اپنے ادب کو پڑھائیے جس سے وہ بہتر انسان بن سکے تو ناظرین وقت کسی کا نہیں ہوتا اور یہ وقت اب ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ کچھ اور وقت گزاریں جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے کہ وقت کسی کا نہیں ہوا ہے اور وقت کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے مرضی سے اپنے کام کو انجام دے سکے آپ کو اور اپنے ناظرین کے گوش گزار ہم یہ بھی کرتے چلے کہ آپ صرف ہمیں اپنے ٹی وی سیٹ تک ہی نہیں دیکھ سکتے بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ ہم سے مل سکتے ہیں جڑ سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں آپ ہمیں سوشل سائٹس پر بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے سوشل سائٹس ہیں ٹویٹر انسٹاگرام فیس بک
और YouTube वगैरह। इसके अलावा भी अगर आप हमसे कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं, हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं या हमसे कुछ चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में कुछ रद्दो बदल करें, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेल करना है। और मेल करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब कुछ आपके पास मौजूद है। जो चीज़ शायद आपके पास नहीं है वो है हमारा मेल आईडी, और हमारी मेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। लुबना साहिबा, आप भी समाप्त कीजिए और सुन लीजिए और याद कर लीजिए, हमारा मेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान लुबना एहसान और नवाज़ हाशमी को इस उम्मीद के साथ कि अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और मंज़र और उसके पस मंज़र के साथ, तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।